तो बाइक में प्रॉब्लम ये है ना, तो बाइक जैसे ही हीट हो रहा है ना, हीट होने के बाद ना बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है जब तक ठंडा नहीं हो रहा। तो गाइस ये मिल चुका हम लोग का यंत्र, चलिए अभी शोरूम पे जाके आप लोग से मिलते हैं। चलो बाइक का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस, अभी 7 था 98 हो चुका है, तो अभी देखते हैं बंद करके टोटली रिस्टार्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। गाइस फाइनली बाइक स्टार्ट हुआ, खुद से खुच खच किए तो काफ़ी ठंड होने के बाद अभी स्टार्ट हुआ बाइक। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पे। जो आज ना एक बाइक हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है, तो जो ना बहुत डेंजरस तरीके से प्रॉब्लम है, जो सॉफ्टवेयर का इशू है। तो बाइक में प्रॉब्लम ये है ना, तो बाइक जैसे ही हीट हो रहा है ना, हीट होने के बाद ना बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है जब तक ठंडा नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो टूल्स है ना वो पुराना वर्शन वाला, अभी नया वर्शन वाला आएगा जो कि सॉफ्टवेयर इसमें डाला हुआ है नया वर्शन में, तो हमारा वाला भी नया ही है। तो इसमें हर चीज़ का मशीन में एक लोग आप लोग जानते होंगे जो सॉफ्टवेयर चढ़ता है, तो वही जो हमारे पास मशीन है उसमें सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ नहीं है गाइस। तो अभी अपन लोग हम लोग जा रहे हैं, बस में चढ़ाया गया है, तो अभी यही हम लोग टूल्स हम लोग अभी लाने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो आप लोग पे बने रहिए, और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो एयर रिलेटिव के लिए वीडियो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, आप लोग भी थोड़ा हमको जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो तब तक हम लोगों को भी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है, मालूम नहीं चलेगा गाइस। तो आप लोग भी दबा के कमेंट कीजिए, चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो डिमांड आप लोग का ऊपर है किसका ऊपर ज़्यादा वीडियो बनेगा, और कुछ भी आप लोग भी हम लोग से कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए भी एक गिव अवे रखा हुआ है, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग गिव अवे का पूरा भरपूर आनंद एंड फ़ायदा उठाइए गाइस, ठीक है। चलिए अभी जाके हम लोग स्पॉट पे जाके मिलते हैं। तो गाइस ये मिल चुका हम लोग का यंत्र, चलिए अभी शोरूम पे जाके आप लोग से मिलते हैं। आप लोग देखे होंगे जो बस से मैंने टूल्स जो लेके आया था, तो ये गाड़ी ना डेंजरस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, हीट होने के बाद ना बंद हो जा रहा है, तो जो कि उसका नया अपडेट आया हुआ है तो वही अपडेट कर रहा हूँ। The next day. तो गाइस ये बाइक ना खतरनाक वाला प्रॉब्लम है, जो कि आप लोग को मैं तो बताया था, अपडेट किया था इसका, अपडेट करने के बाद ऐसा सीन है। तो इसको मैं अभी नॉर्मल टेम्परेचर मापूंगा कितना टेम्परेचर है इस बाइक में, तो अभी इसको चलाएंगे गाइस इस बाइक को। तो चलाने के बाद इसको हम अपना गला में लेके घूमना पड़ेगा इस यंत्र को, जिसके पास डॉक्टर लोग का पास रहता है ना टेलीस्कोप, इसमें पूरा मेरा हिस्ट्री मिल जाएगा गाइस। तो गाइस अभी बाइक का कुछ ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी नॉर्मल है 36 डिग्री सेल्सियस, तो ये अभी नॉर्मल टेम्परेचर है गाइस। तो अभी इसको सही लेके, तो अभी कुछ ऐसा सीन है, ये मैं लाइट भी नहीं जल रहा है, तो अभी देखते हैं कैसा बंद होता है ये। तो गाइस कुछ ऐसा डिजिटल हमारा कॉन्सल्ट है बाइक का, तो स्टार्ट कर चुका हूँ, तो बंद हो जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ कितना बंद होता है इस बाइक में। लाइन बोल रहा बंद हो जा रहा है, अपडेट होने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए गाइस देखते हैं क्या बंद होता है। तो गाइस अभी फाइनली बाइक को हम बंद करते हैं न्यूट्रल करके, तो देखते हैं, बंद ही हो गया बाइक, ठीक है। तो अभी इसका टेम्परेचर देख लेते हैं बाइक का क्या टेम्परेचर है। चलो बाइक का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस, अभी 7 था 98 हो चुका है, तो अभी देखते हैं बंद करके टोटली रिस्टार्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। गाइस सच में बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, शाबाश, खतरनाक प्रॉब्लम हो चुका है गाइस। ओ माय गॉड 98 डिग्री सेल्सियस देख रहे होंगे, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होएगा। चस साला क्या हुआ गाइस, पूरा पपट हो चुका है। तो बाइक बंद करके मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ, कितना डिग्री सेल्सियस था अभी भी इतना ही डिग्री सेल्सियस में काफ़ी 64 डिग्री सेल्सियस में उतर चुका है, तो टेम्परेचर अभी भी डाउन हुआ है, तो अभी तक भी स्टार्ट होने वाला नहीं है इस बाइक को।
फंस गए लेके आके बाइक को, खाना भी नहीं खाएगा। अरे तो इधर इधर सामने पीछे पीछे इधर इधर, हाँ इधर 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 टोटो है, हाँ हाँ इधर इधर इधर। तो गाइस इधर एक सीन दिख, छः सात आठ नौ दस ग्यारह रुपया सीधा, ये सीधा। तो गाइस ऐसा सीन है ना, इसको ना कोई टोटो में बैठा नहीं रहा है, इसके पास 10 रुपया है लेकिन कोई टोटो वाला जाने के लिए मांग ही नहीं रहा है। क्या है सीन हमको भी नहीं पता। तो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ इसको कोई लेके नहीं जा रहा है, ठीक है ना, बहुत ही ख़राब लग रहा देखने में, क्यों नहीं जा रहा नहीं पता। देखिए सीन देखिए अभी गाइस, देखिए क्या बोल रहा है, हंडाल मोड़ जाना है, इनको कोई लेके नहीं जा रहा है। ये देखिए टोटो के पास गया, कोई ले जाने वाला इनको नहीं है, क्यों नहीं ले जा रहा पता नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाला है नहीं। तो लोग वाकई सबको जानता है, वो जो एक बंदा है यहाँ पे बैग लेके वो भी सहायता किए हुए थे, लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई ले भी नहीं जा रहा है। तो हम भी काफी टाइम से फंसे हुए हैं। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो गाइस काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हुए, लगभग 2 घंटा होने चला, भूख भी लगा, तो अभी ओरियो एक ले लिए, ओरियो खाने के बाद देखते स्टार्ट होता है या नहीं होता, दिमाग ख़राब हो गया। साला टेस्टिंग के लिए आए है क्या, फंस गए हम। चलिए गाइस कुछ खा लूँ, अभी बज रहा 3, देखिए कितना काफ़ी टाइम हो चुका है, लेके आके पूरा फंस चुके। देखिए 3:17 हो रहा है, आए थे हम 2 बजे नहीं 1:40 पे आए हुए थे, दिमाग ख़राब हो चुका है। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये बंदे ने खड़ा करवाया, खड़ा करवाने के बाद उसके बाद इसको बैठा रहा है। तो गाइस अंडाल मोड़ से बोल रहा है मेन गेट, इसीलिए कोई इसको बैठा नहीं रहा था टोटो पे। गाइस फाइनली बाइक स्टार्ट हुआ, खुद से खुच खच किए, तो काफ़ी ठंड होने के बाद अभी स्टार्ट हुआ बाइक। फंस गए थे काफ़ी यार, MI लाइट भी जल चुकी है इसका, टाइम देख लीजिए आप लोग कितना बज रहा है, 3:55। परेशान करके रख दिया इस बाइक को हमारा, देखिए बाइक का क्या हाल करके रखा हूँ। हाँ चल जाओ। तो गाइस फाइनल स्टार्ट हो चुका है बाइक। द नेक्स्ट डे तो आज हम लोग एक ब्रेकडाउन जाने वाले हैं, तो कौन सा बाइक है हमको भी नहीं पता, तो लोकेशन नियर बाय दुर्गापुर है, तो चलिए हम लोग जाते हैं। तो गाइस ये जो बॉबर है ना, तो कुछ दिनों से मैं इसको लेकर बहुत परेशान हूँ, क्या बोलूँ, इसका ऐसा एक डिफ़िकल्ट इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, खतरनाक वाला। तो कुछ दिन पहले मैंने इसको ठीक किया था, तो मैंने सोचा ठीक हो गया है, नॉर्मल मेजर था, तो फिर इतना परेशान कर दे रहा ना बाइक, तो मेरा हालत ख़राब हो चुका है। तो फाइनली जो फॉल्ट निकल के आया तो वो भी हमको मिल चुका है, डायगे जो टूल्स है ना, तो अभी BS6 बाइक है, तो अभी का जो टूल्स है ना, टूल्स में भी नहीं बता रहा ठीक से, तो टूल्स में 2-4 जो आ रहा है सिग्नल जो कोड दे रहा है, तो वो काफ़ी दूसरा अलग तरीके का कोड आ रहा है, तो उसमें भी पता नहीं चल रहा है। तो काफ़ी मैंने बाइक को खोल रखा है, तो काफ़ी आप लोग को मैं दिखाऊंगा इस बाइक का ओवरव्यू व्यू। तो काफ़ी देर तक मैंने इसको खोल के भी रखा है, तो अभी हम उसका 3 दिन से उसको टेस्टिंग ही कर रहे हैं, तो कल था आखिरी दिन, तो उसको मैंने टेस्ट किया तो काफ़ी सही निकला, तो काम कल ही को ख़त्म हो चुका है, तो इसका टेस्टिंग के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो एक काम, एक तीर पे 2 निशाना हो जाएगा, मेरा ब्रेकडाउन भी हो जाएगा बाइक का, और ये भी टेस्टिंग होके निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं फिर प्रॉब्लम मारता है या नहीं मारता है इस बाइक।
गाइस ये रहा विवेकानंद हॉस्पिटल। ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देख रहे होंगे काफी भाग रहा है भाई। कृष्णा मैरिज हॉल ये कौन सा हॉल है? ये है कृष्णा मैरिज हॉल। अब लोकेशन थोड़ा देख लेता हूँ भाई। लोकेशन बोल रहा है तुमको लेफ्ट जाने का, तुम आगे भाग गया काहे को। तो ये रहा यहाँ पे ज़्यादा इधर नगर साइड में ना बहुत सारा गाइस। ये लोकेशन बहुत ही गिजी पिटी है, तो आप लोग को मैं क्लाइंट के घर तक पहुँच के बताता हूँ। तो गाइस ये रहा क्लाइंट, मैं यही रास्ता से जा रहा था, बार बार बोल रहा हूँ यही रास्ता। ये तो मेरा लेफ्ट ही पड़ेगा। इसको रहने देते हैं, एक बार स्टार्ट करके देख लो स्टार्ट होता है या नहीं। हाँ स्टार्ट हो जा रहा है भाई, देख रहे होंगे पूरा बाइक खोल के टेस्टिंग चल रहा है बाइक, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। बाइक स्टार्ट हो चुका है, देखिए गाइस डॉक्टर आने से पहले गाड़ी स्टार्ट हो गया, देख लेता हूँ। ये हमारी लाइट जल चुकी है बाइक की, तो एक बार टेस्टिंग करके चलिए करने के बाद प्रॉपरली करने के बाद मिलता है। तो गाइस देख रहे होंगे तो ये हमारी लाइट जो जला हुआ था ख़त्म हो चुका है, तो प्रॉपरली काम हो चुका है, ज़्यादा देर लगा नहीं। चलिए गाइस अभी हम लोग शोरूम पे जाके मिलते हैं, ये गाड़ी अभी देखते हैं स्टार्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। तो गाइस देखते हैं, ये गाड़ी तो गर्म होने के बाद स्टार्ट नहीं लेता है, तो देखिए स्टार्ट हो पाता है या नहीं। हाँ हो गया गाइस, तो प्रॉब्लम प्रॉपरली ठीक हो चुका है बाइक की, तो अभी भी मैं टेंशन मुक्त हो चुका हूँ। तो अभी फिर इसको रगेट के लेके जाएंगे, देखता हूँ। काफ़ी हीट हो चुकी थी बाइक, तब पर भी स्टार्ट हो गया। एक्सपीरियंस है तो आप भी हमको कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आप लोग यदि सही जवाब दे सकते हैं तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट रहेगा, तो कन्फर्मली आप लोग को ये गिफ्ट आपका घर तक जरूर पहुंचेगा। जितना भी खर्चा पड़े तुम्हारा भाई ज़रूर पहुंचाएगा। गेस कीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं इस बाइक का प्रॉब्लम था क्या, क्या क्या हो सकता है क्या। गाइस फाइनली हम शोरूम आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं इस बाइक को बंद करते हैं, बंद करने के बाद स्टार्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है बंद कर रहा हूँ, देखता हूँ स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो गाइस अभी वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद बंद हो जा रहा था, तो अभी काफ़ी बार जितना बार स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है। तो देखता हूँ फिर, तो बंद नहीं हो रहा है गाइस। तो मैंने उसको थोड़ा छेड़खानी किया था, ठीक है ना, तो ये काफ़ी मैंने पूरा सारा खोला, तो इसको सब मैंने थोड़ा किया, तो ठीक है जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है गाइस। प्रॉब्लम क्या था जिसको जिसको जानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं, ठीक है। और जो जो आपको जानकारी, आपके साथ भी ऐसा बाइक हो रहा है, ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमको कमेंट में बताएं। और आप लोगों को इसका प्रॉब्लम आपको जानना है का ज़रूरी भी इसका प्रॉब्लम आपको जानना भी है, तो कमेंट में जाके दबा के हमको कमेंट कीजिए क्या है प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, तो मैं वो बताऊँगा आपको। तो और एक बात, इसका प्रॉब्लम जानने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, तभी इसका जाके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर किसी नेक्स्ट अगले एक्सपीरियंस वीडियो पे आप लोग से मिलते हैं।